हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों ये खबर आज की है, सितंबर 10 देख सकते हैं 10:53। अभी जस्ट रिसेंटली ये अपडेट हुआ है, आज की खबर है और ये बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों आई है ग्रुप डी वालों के लिए। नीचे में देख सकते हैं क्या यहाँ पे खबर क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि अभी सिर्फ ग्रुप डी की परीक्षा सीटी डेट के बारे में, सिर्फ उन अभ्यर्थियों के बारे में सूचना जारी की गई है जिनकी परीक्षाएं 19 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच में है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे मिसप्रिंट है दोस्तों कि 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच में जिसका एग्जाम है, ठीक है, उसी का अभी सूचना जारी किया गया। आप क्लियरली इसको समझ लीजिए। और बाकी के उम्मीदवार, अभी भी बाकी के उम्मीदवार हैं दोस्तों, अभी पूरे के पूरे लोगों का यहाँ पे सूचना जारी नहीं हुआ है। अभी बाकी जो उम्मीदवार हैं उनकी जो परीक्षा सीटी है और डिटेल्स है वो आरआरबी की वेबसाइट पर 13 सितंबर को आ जाएगी। दोस्तों अगर आप भी अगर सर्च कर रहे होंगे और वहाँ पे केवल आपके माता पिता का नाम शो कर रहा होगा या ऐसा सारी डिटेल्स नहीं शो कर रही होगी, तो आप 13 सितंबर को आप जाइए, एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जिनका 17 सितंबर से एग्जाम है उनका 13 को डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और जिनका अभी सूचना अपडेट नहीं हो रहा है उनका भी 13 से वो देख सकते हैं क्लियरली। तो दोस्तों ये अपडेट किया गया, लगभग ये एग्जाम 2 महीने तक चलने वाला है, क्योंकि जब फर्स्ट शिफ्ट में देख सकते हैं 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 1 महीने तक का यहाँ पे दिया गया है। इसके बावजूद भी अभी लड़के हैं जो सेकेंड स्टेज में, आपको 13 सितंबर को पता चल जाएगा सारी चीज़ें, उसमें आपको नवंबर तक एग्जाम चलेगा, लगभग यहाँ पे 2 महीने तक एग्जाम चलेगा। बीच में कुछ दिनों तक स्टे किया जाएगा, दशहरा दीपावली है, उसके बाद एग्जाम कंटिन्यू रहेगा। सो फ्रेंड्स यही खबर है, अगर आपका शो नहीं कर रहा है अभी तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, 13 सितंबर से आपका शो करने लगेगा, एडमिट कार्ड भी उस दिन डाउनलोड हो जाएगा जिनका एग्जाम है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलती है आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद।